कांग्रेस के जो अच्छे सोच रखने वाले लोग हैं, जिनको देश हित और राष्ट्र हित की सोच है जिनके मन में, ऐसे भाई बहन लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। काम करने का अपने को जो था उस तरीके का खुला छूट नहीं था, हर जगह कुछ चीज़ों के लिए अपने को मतलब इसका परमिशन लो उसका परमिशन लो, मतलब स्वतंत्रता नहीं थी वहाँ काम करने। लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। कांग्रेस के आज दो बड़े चेहरों ने अपने साथियों में प्रवेश किया, उसमें से एक है सुलेखा यादव जी, पूर्व पार्षद रही हैं और कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता कहे या एक निष्ठावान कार्यकर्ता कहे, उन्होंने आज कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई है, क्या वजह थी कांग्रेस छोड़ने की आपकी? मैम वजह कुछ ज्यादा नहीं थी, मैं काम भी कर रही थी और मेरे को सम्मान भी नहीं मिल रहा था, इस वजह से मैं चेंज की। कितने साथी अपने साथ आए हैं आज आपके? मेरे साथ कम से कम 150-200 महिला पुरुष मिला के। जी जी, आप वार्ड में किस तरीके से आप लोग, आपने कहा काम करने नहीं मिल रहा था, सम्मान नहीं मिल रहा था, किस तरीके की अनदेखी हो रही थी पार्टी में? मैम काम तो कर रही थी लेकिन मेरे सम्मान नहीं मिल रहा था, मेन वजह यही थी। बिल्कुल सम्मान की बात है, तुलसी साहू इससे पहले जो बड़ा चेहरा है कांग्रेस का वो प्रवेश कर चुकी थी मोदी जी के मंच से और उनका भी यही कहना था कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलता, और तुलसी साहू के कांग्रेस भाजपा प्रवेश के बाद में लगातार अब कांग्रेसियों का छोड़ करके भाजपा में आना अब लगातार सिलसिला जारी है। सांसद विजय बघेल के निवास पर लगातार भाजपा प्रवेश करने वालों की संख्या बढ़ रही है और भाजपा का कुनबा भी बढ़ रहा है। आज यहां पर पूर्व गृह मंत्री रहे तामोदर साहू के प्रतिनिधि ने रामेश्वर जो है उन्होंने यहां पर प्रवेश किया है और वो जिला कांग्रेस के सचिव भी रह चुके हैं, तो अपनी पूरी टीम के साथ आज यहां पहुंचे हैं, करीब 100 से ज्यादा लोगों के साथ उन्होंने आज भाजपा में प्रवेश किया है, क्या वजह थी कांग्रेस छोड़ने का आइए उनसे भी जानते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि यहां पर आंध्र समाज के लोग पहुंचे हुए हैं, यहां पर आज कई ऐसे समाज के लोग हैं कि जो यहां पर पूरा समर्थन जुटाने के लिए यहां पर सांसद विजय बघेल से लगातार मुलाकात भी कर रहे हैं। मैं तो बार बार आप सबसे कह चुका हूं कि कांग्रेस बिखर गई है, कांग्रेस अब खत्म होने की स्थिति में है, और जो हमारे मोदी जी और शाह जी बोलते थे ना कि कांग्रेस एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी टूट जाएगी, क्योंकि कांग्रेस का कोई विजन भी नहीं है, कोई मिशन नहीं है, सिर्फ सोच है तो परिवारवाद की, सिर्फ सोच है तो भ्रष्टाचार की, सिर्फ सोच है कि इस देश को कैसे बिखेर दिया जाए, कैसे बाहरी ताकतों को जो विदेशी ताकत है उसके हाथ में भारत को सौंप दिया जाए, और उसी से टूट कर उससे मन द्रवित होकर कांग्रेस के जो अच्छे सोच रखने वाले लोग हैं, जिनको देश हित और राष्ट्र हित की सोच है जिनके मन में, ऐसे भाई बहन लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, और आज भाई रामेश्वर शर्मा जी जो जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे, जो माननीय ताम्रध्वज जाहू के सांसद प्रतिनिधि भी रहे, ऐसे भाई रामेश्वर जी जो कुर्सी पार में रहते हैं, वो आज अपनी पूरी भाइयों बहनों के पूरा टीम के साथ, जहाँ पे बहनें भी हैं, हमारी युवा साथी भी है जो कल के हमारे भविष्य हैं, ऐसे लोग आज शामिल हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये सिलसिला लगातार जारी है, अभी देखे तेलुगु समाज के लोग आए थे, अभी और 150 लोग और आने वाले हैं, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष महेश वर्मा जी हैं, मेरे सांसद जी प्रमोद सिंह जी हैं, ये सब नेतृत्व करता है, इनके माध्यम से लगातार लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि देश किस ओर चल पड़ा है और देश के प्रति भावना रखने वाले कैसे जोश और उत्साह के साथ इस देश को अग्रणी स्तर पर ले जाने में लगे हैं। रामेश्वर जी क्या वजह थी कांग्रेस में आप इतने साल रहे, बड़ी जिम्मेदारियां भी निभाई, पर आज आप भाजपा का दामन थाम रहे हैं? जी वहाँ काम करने का अपने को जो था उस तरीके का खुला छूट नहीं था, हर जगह कुछ चीजों के लिए अपने को मतलब इसका परमिशन लो उसका परमिशन लो, मतलब स्वतंत्रता नहीं थी वहाँ काम करने की, और अपन क्या है दब के काम करने वाले हैं नहीं, हम लोग बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं, बोलबम समिति में भी मैं दया भाई के साथ में काम करते ही आ रहा हूँ शुरू से, कांग्रेस में रहने के बावजूद भी, क्या धार्मिक की तरफ अपनी आस्था है, गौ सेवक लोग अपने साथ जुड़े हुए हैं, गौ माता का सेवा अपन करवाते हैं, जहाँ कुछ उनको टूट फूट हुआ, कहीं उनको कोई तकलीफ है दर्द है, उसमें हम लोग दिल खोल के काम करते हैं हमारी टीम। तो मेरे को ऐसा लगा कि बीजेपी में जो भगवा है जो हमको उनके नीचे ही काम करना चाहिए। आप कांग्रेस में क्या क्या जिम्मेदारी निभा चुके थे? मैं कांग्रेस में 20 लगातार 20 वर्षों से था, यूथ कांग्रेस में मैं जिला ग्रामीण से मैं प्रवेश किया था, उसके बाद लगातार मैं भिलाई शहर में ही मतलब रहा, यूथ में रहा, उसके बाद फिर अभी मैं जा करके
वरिष्ठ कांग्रेस कमेटी में जिला सचिव हूँ, पूर्व में मंत्री तामदास साहू जी का सांसद प्रतिनिधि भी था मैं स्वास्थ्य विभाग से जी। तो ये थे रमेश्वर जी, और जिस तरीके से उनका कहना है कि वो कांग्रेस में एक अजीब सी घुटन थी और उस घुटन से छुटकारा पाने के लिए वे आज भाजपा में आए, क्योंकि भाजपा के साथ वे खुलकर अपने लिए, धर्म के लिए और समाज के लिए, तीनों के लिए एक साथ काम कर सकते हैं। कोमल धने सर, IBC 24 भिलाई।